हेलो जी, आई एम डॉक्टर लक्ष्मी। तो अगर आप भी काफ़ी लंबे टाइम से हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो कुछ ब्लड टेस्ट आपको ज़रूर कराना है। ऐसे ही रैंडमली आपको अपने शैम्पूज या सीरम्स या ऑयल्स चेंज नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस ही लेना चाहिए। और इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आपको कोई ब्लड टेस्ट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आती है तो उसको भी ज़रूर से रूल आउट करना चाहिए और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि आपको आयरन प्रोफाइल ज़रूर कराना चाहिए, आपको थायराइड प्रोफाइल ज़रूर कराना चाहिए। और अगर आप लड़की हैं, पीसीओडी का आपको प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी हार्मोनल प्रोफाइल ज़रूर कराना है। हार्मोन्स में आपको FSH, LH, सीरम प्रोलैक्टिन, सीरम इंसुलिन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, ये जो टेस्ट हैं ये आपको ज़रूर से कराने चाहिए। और इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन B12, ये भी टेस्ट आपको ज़रूर कराने चाहिए। और अगर इसमें कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो इसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स ज़रूर से लेने चाहिए, ऑफ कोर्स अंडर योर डॉक्टर्स गाइडेंस। तो अलोंग विद जो आपका ओरल मेडिसिन है, खाने वाला जो दवाइयाँ हैं, सीरम्स, शैम्पूज एंड हेयर ऑयल्स, इन सबके साथ साथ एक अपना पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको बनवाना चाहिए अपने डॉक्टर से और टाइम टू टाइम उससे फॉलोअप करना चाहिए। थैंक यू।